वर्तमान दशा के आधार पर साढ़े साथी और ढैया के क्रम में आपको कुछ उपासना पद्धतियों की सलाह दी जाती है कि आप शनिदेव की महादशा में बुध की अंतरदशा के साथ में चल रहे हैं तो शनिदेव गायत्री अथवा शनिदेव के बीजक मंत्र का निरंतर आप यहाँ वाचन करते रहें, माला करते रहें। बुध की अंतरदशा है तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करते रहें, ये एक प्रमुख स्तर पर सलाह दी जाती है। उसके साथ में रत्नों की स्थितियाँ क्या है, कुछ और उपासना पद्धतियाँ कैसे जोड़ सकते हैं, उसके साथ में व्यक्ति चलने का कार्य करे तो एक अनुपम अवस्था कही जाती है। और जैसे जैसे महादशा अंतरदशा परिवर्तित होती है उसी अवस्था के साथ में धारित क्रम दिया जाता है। देखिए, जब भी व्यक्ति किसी उपासना पद्धति के बारे में बात करे, बीज मंत्र के बारे में चर्चा करे, तो सबसे पहले ये समझें कि जिस तरह से श्वासों का आवागमन है, प्रश्वास और निश्वास की स्थिति है, ठीक उसी तरह से जब ये मंत्र सुबह सुबह के समय अंतराल में भीतर ही भीतर चलते हुए उस श्वासों के आवागमन के साथ में जुड़ते हैं तो एक अलग अवस्था प्राप्त होने लगती है। श्वास जब सुनाई देती है, उसकी प्रश्वास की स्थिति पूर्णतया सुनाई देती है, तो कहा जाता है व्यक्ति हांफ रहा है, परंतु जैसे ही वो बिल्कुल निर्मल श्वास की धारा के साथ में है, कोई भी कृत्रिम अवस्था नहीं है, तो वो अपने आप में एक अलग सिंक्रोनाइजेशन भीतर लेकर चलने वाली होती है। तो आप जिस दशा के साथ में चल रहे हैं, जैसे ही वो जो बीजक मंत्र उस दशा का है श्वास के साथ में पूर्णतया जुड़ जाता है, तो प्रकृति के साथ में आप एक तारतम्य स्थापित करने लगते हैं। व्यक्ति जन्म से लेकर अंतिम ऊर्जावान श्वास तक किसी न किसी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जिसे सूक्ष्म दशा का क्रम भी कहा जाता है, उसके साथ में चलायमान रहता है। और जैसे ही बीजक मंत्रों के क्रम के साथ उस अवस्था को वो जोड़ लेता है तो अपने भीतर एक अलग तारतम्य लेकर आता है, एक अलग स्पंदन लेकर आता है। उसके निर्णय प्रकृति के विरुद्ध नहीं होते, प्रकृति जनित होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो प्रमुख तौर पर हनुमंत उपासना के बारे में कहा जाता है। आप देखिए कि जब सुंदरकांड के पाठ की अवस्था आती है तो एक स्पष्टता है कि राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम सकल सुमंगलदायक, ये अवस्था अंतिम चरण में सुंदरकांड के साथ में आती है। तो जो एक तरह से हनुमंत उपासना का मूल है वो राम भक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, और उस राम नाम के सुमिरन के साथ में जैसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही व्यक्ति रकार और मकार के साथ में पूर्णतया राम शब्द को अपने साथ में जोड़ लेता है तो वो हनुमंत तो आराधना के मूल की तरफ जाने लगता है, और वैसे ही व्यक्ति अपने कर्म के साथ में प्रकृति जनत अवस्थाओं को लेकर चलने का प्रयत्न करता है। आप यहाँ देखिए कि जब रामचंद्र जी माता सीता की खोज के लिए हनुमंत और सुग्रीव और इन सारे ही जनों को भेजते हैं और वानर आदि को भेजते हैं, तो वहाँ पर एक बात प्रमुख उल्लेख में आती है कि अभी चतुर्मास है, रुक जाइए, उसके बाद में आप जो है माता सीता की खोज की तरफ जाइएगा। यानी स्पष्टता यह है कि धीरज है वहाँ पर, प्रत्येक अवस्था के साथ में एक धैर्य का अनुशीलन है। और जब लंका पहुँचने की अवस्था भी आ जाती है तब भी पहले दूत भेजा जाता है, हाथों हाथ किसी भी तरीके के युद्ध की अवस्था नहीं है, ये भी धैर्य को धारित करने वाला एक क्रम है। तो जैसे ही साढ़े साथी और ढैया के साथ में व्यक्ति हो और वो धैर्य को धारण करने के क्रम के साथ में आ जाए, राम नाम के सुमिरन के साथ में आ जाए, तो प्रकृति जनित अवस्थाओं में भीतर एक धीरज लेकर आने लगता है, इम्पल्सिव अप्रोच दूर हटने लगती है, और वहाँ से उसके साथ में जो तारतम्य है वो एक अलग गतिशीलता के साथ में आने लगता है। क्रोध में है तो श्वास का गमन बिल्कुल अलग हो जाता है, शांत है तो आप देखिए कितना हर्ष एक एक रोम के साथ में महसूस होने वाला होता है। क्या है ये प्रक्रिया, यही उपासना पद्धति का आधार है। कई बार आप बड़े ही अलग मूड के साथ में होते हैं, बड़ी ही अलग अवस्थाओं में होते हैं, मंदिर के आगे से निकलते हैं, भजन चल रहे होते हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा होता है, आरती चल रही होती है, संवेद ताल के साथ में लगातार वो आरती चलने वाली, और वहीं पर ढोल की आवाज़ और घंटी की जो आवाज़ है वो मन को एक अलग रोमांच देती है, स्पंदन देती है, और वहीं से आध्यात्मिक धारा प्रवाहित होने लगती है और आप हाथों हाथ एक अलग स्पंदन के साथ में आ जाते हैं। क्या है ये, यही अवस्था है जो सुमिरन का आधार है। और जैसे ही व्यक्ति सुमिरन के बोध को अपने साथ में प्राप्त करने लगता है तो दूसरी सारी ही स्थितियां रुकने लगती है और वहीं से भीतर एक अलग आध्यात्मिक आलोक प्राप्त होने लगता है। इस वजह से आप उपासना पद्धतियों में किसी भी उपाय के साथ में संघर्ष के समय चल रहे हों तो सबसे पहले ये याद रखा जाए
कि बीजक मंत्र को अपनाएं। और वैसे ही यदि आप सूर्योदय के आसपास की प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं, मन बहुत अधिक घबराहट में है, तो जिस ग्रही व्यवस्था के साथ में अभी आप चल रहे हैं दशा और अंतरदशा में, उसके गायत्री मंत्र के पाठ की अवस्था को अपना लीजिए। गायत्री मंत्र सिर्फ ओम भूर्भुवस्व की स्थितियों के साथ नहीं, इसके अलावा प्रत्येक ग्रही व्यवस्था का भी गायत्री मंत्र अलग से है। जो सूर्योदय के साथ में करने की जो प्रवृत्ति होती है वो स्पष्ट तौर पर साथ में जुड़ने लगती है। थोड़ा सा और आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब व्यक्ति डिप्रेशन जैसी पोजिशन हाइपरटेंशन के साथ में होता है तो रात उसको जगाती है, सुबह के अंतराल से वो दूर भागता है और अपनी दुनिया में एक लेट लतीफी लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने साथ सम्यक क्रम में है, हृदय में शीतलता के साथ है, वो उतना ही सूर्योदय के आसपास उठने की प्रक्रियाओं में है, उपासना की प्रक्रियाओं में है, प्रकृति के साथ में जुड़ने की अवस्थाओं में है। और जैसे ही वो व्यक्ति विशेष वहां से दूर है तो समझ लीजिए मन किसी न किसी कोलाहल के साथ में चल रहा है और ये कोलाहल उसको ज्यादा डिस्टर्बेंसेस देने लगता है। व्यक्ति जब किसी भी एक अवस्था के साथ में अधिक सोचेगा तो वो एक अलग सिद्धि को प्राप्त करने वाला होगा। अब मान लीजिए किसी चिंता के बारे में सोच रहा है तो चिंता में सिद्धि उसको आखिरकार क्या देने वाली होगी? और जो व्यक्ति विशेष रिसर्च के साथ में है, डेटा साइंसेस के साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं, एनालिटिक्स के साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं, जो महानुभाव शेयर मार्केट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए विजुअलाइजेशन कॉन्शियसनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और वहां से जर्नी किस तरह से चेंज होने वाली होती है। ठीक उसी तरह से वो महानुभाव वर्षों में चलते हुए उस यात्रा के साथ में एक अलग सिद्ध हस्तक्रम प्राप्त करते चले जाते हैं। तो हमें किस तरफ अपनी सिद्धि की प्रक्रियाओं को देखना है और कैसे चलना है, ये उपासना के आधार के साथ में भी एक मूलक क्रम जुड़ा रहने वाला होता है। आज की चर्चा लंबी रही, परंतु हम हमेशा कहते हैं कि उपाय की अवस्थाओं में सबसे पहले व्यक्ति खुद के साथ में जुड़े, उसमें भी एकांत हो, शांत चित्त वातावरण हो, प्रकृति का स्पंदन हो, और उसके साथ में जैसे ही वो सारी चिंताओं को एक बार मिनिमाइज नहीं करके हटाकर पूरे तरीके से जो मन का, हृदय का, मस्तिष्क का डेस्कटॉप है उसको पूरे तरीके से खाली कर दीजिए और उसके बाद में जो मन की स्क्रीन है उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ उन बीज मंत्रों का आलेख रहे, तो देखिए आप जीवन तुलनाओं से कैसे मुक्त होने लगता है, जीवन ईर्ष्या से कैसे मुक्त होने लगता है और वहीं से एक अलग क्रम की शुरुआत भीतर होती चली जाती है। कुछ महानुभाव मानस के पाठ के साथ में निरंतर चला करते हैं, कुछ महानुभाव श्रीमद् भगवद् गीता के पाठ के साथ में चला करते हैं, कुछ महानुभाव भागवत के साथ चला करते हैं, गणपति अथर्वशीष है, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम है, संकट मोचन हनुमान अष्टक है, वहीं बजरंग बाण की स्थितियां है, सुंदरकांड है, इसके अलावा जो जो उपासना पद्धतियां राम रक्षा स्तोत्रम के साथ में चलती है, आदित्य हृदयम के साथ में चला करती है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है, वहीं पर निरंतर तौर पर सप्तशती का पाठ है, महिमन की अवस्था है, वहीं रुद्राष्टाध्यायी है, रुद्राष्टकम है, चंद्रशेखर अष्टकम है, लिंगाष्टकम है, मधुराष्टकम है, ये सारी की सारी स्थितियां क्या है? व्यक्ति के साथ में एक अलग तारतम्य का बोध है और जैसे ही आप वहां से खुद को जोड़ लेते हैं एक अलग आभा के साथ में होते हैं। बच्चों को शुरुआत से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ में जुड़ा जाता है और जब वो नित्य क्रम के साथ में जुड़ते हैं, जब अवस्था में टर्बुलेंसेस आते हैं, जो टीनेज है और टीनेज भी जब अपने पीक पर होती है और वो जो टर्बुलेंसेस फील करने वाला बच्चा होता है, प्रत्येक सुबह चलती हुई हनुमान चालीसा उस व्यक्ति विशेष को भटकाव से दूर हटाती है और एकाग्रचित्त करके अपने लक्ष्य के संधान की ओर लेकर जाने वाली होती है। हम कई बार कहते हैं कि व्यस्तताएं हैं, व्यस्तताएं यकीन मानिए तथा कथित हैं और जैसे ही व्यस्तताओं की अवस्थाओं से निकलकर व्यक्ति आज के दिवस में अपने को प्राप्त करता है वहां से सारी ही दूसरी दुविधाएं हटती चली जाती है। आज का विषय लंबा चला, परंतु कहीं ना कहीं जो उपासनाओं के बारे में चर्चा करनी थी और लंबे समय से जो कहीं ना कहीं अभी महसूस कर रहे थे कि इस चर्चा के साथ में आप तक पहुंचे, वो आज हमने रखने का प्रयत्न किया। ऐसी ही कड़ी में आध्यात्म, ज्योतिष, मंत्रोक्त विधियां, भीतर का स्पंदन, आसपास का वातावरण, आध्यात्मिक स्तर के साथ में जुड़ती हुई चेष्टाएं और इसी के साथ में जो नियोजन भीतर के प्रश्वास के साथ जुड़ा होता है, जो नियोजन मन मस्तिष्क की गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है और किस तरह से वो ज्योतिषीय आधार के साथ जुड़ा हुआ है, हम निरंतर प्रयासशील हैं कि वहां तक आपके साथ पहुंचे और जल्द ही उन चेष्टाओं को बलवतिक्रम मिले, ये कामना हम बारंबार स्वयं के लिए भी करते हैं। आप सभी की इसी आशीष और इस अवस्था के साथ में चलते हुए हम कई बार बहुत संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये जो स्नेह है ये जीवन की थाती है और यही स्नेहाशीष के बूते प्रत्येक सुबह ऐसे संचार क्रम के साथ में होती है। बहरहाल चर्चाएं लंबी चली, परंतु इसके बाद हम बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर।
देखिए 4 अक्टूबर 2024 चंद्रमा तुला राशि स्थान में, जत्रा नक्षत्र स्थितियां, शुक्रवार तो वही आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवरात्र अपने क्रमबद्ध सिरे के साथ में चल रही है। जो माँ शक्ति की आराधना उपासना के साथ लगातार जुड़े हुए महानुभाव हैं वो आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त करें ऐसी कामना करते हैं। और शुरुआत मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में, सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि लेकर आज आप चल रहे हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनश्च है, नव योजनाओं के मार्ग के साथ में आप अपनी जीवन गतिविधियों को देख रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में यहाँ पर गतिमान है, तो वहीं पर जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है उसके अंतिम सिरे तक निभाव की अवस्थाओं को अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। हम ये निवेदन करेंगे कि खुद को जितना वर्किंग पोजिशंस में आप मैनेज करके चलते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी एक्युमुलेशन में आपके साथ में आती चली जाती है, कोई दुविधा नहीं। तो वहीं आज ठहराव के साथ अपने काम काज आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम तो जो षष्ठ भावस्थ चंद्रमा का क्रम है वो ये बताता है कि स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत अधिक सजग रहकर चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ जिस लेवल की पॉजिटिविटी को आप क्यूमुलेट करना चाह रहे थे उसकी पूरी पूरी अवस्था आपके साथ में है। आर्थिक भार अपने साथ आज बढ़ाकर चलने से बचें। तो वहीं याद रखें कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में जो अटकाव लंबे समय से थे वहाँ पुनः सुधार के संकेत हैं। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के निवेश में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। शत्रुपक्ष जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे आपके साथ, कहीं ना कहीं नकारात्मकता को हावी कर रहे थे, उससे मुक्त होकर चलने की जो प्रक्रियाबद्ध अवस्था है वो भी आपके साथ में बनी हुई है। आज मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए प्रपोर्शंस में पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में आज एक फ्लॉलेस बेस बना हुआ है, आप कुछ और दूसरी बातों के बारे में सोच सकते हैं। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो समय बीतने वाला होगा मन को पुलकित कर रहा है, संतुष्टि के भाव विभोर क्रम में अपने साथ में लेकर आ रहा है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को संचालित करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि मानसिक सुख के साथ वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से अटकाव की प्रवृत्तियाँ किसी व्यक्ति विशेष की वजह से थी अब वो पूर्णतया हटने की तैयारी करती चली जा रही है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ एकांत में आज कुछ समय जरूर बिताइएगा, मन संतुष्टि की थाह लेता हुआ आगे बढ़ने की तैयारी करता चला जाएगा। चलते हैं कर्क राशि की ओर। देखिए आज आपके लिए कुछ बातें ऐसी सामने आ सकती है जो वैचारिक गतिरोध उत्पन्न करें, चिंताओं के सिरों को एक अलग स्तर पर लेकर आने वाली रहे। रचनात्मक स्तर के साथ में जो वृद्धि के प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में है। निर्णायक मौकों पर आपको अपने भीतर धैर्य पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर ये स्पष्टता रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो लंबे समय से तारतम्य बना हुआ नहीं था वहाँ से भी अब आप पुनश्च है सुधार के संकेतों की अवस्थाओं को देखने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव मानसिक सुख में जिस तरह की वृद्धि के क्रम को अपने साथ में देखना चाह रहे थे वो भी धीरे धीरे अवस्थित होते चले जा रही है। ये वो समय है जो सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि की प्रक्रियाओं को लेकर आता है। एनालिसिस और रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस क्यूमुलेशन में आपके साथ साथ हैं। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में नयापन आज आपके सामने आ सकता है। साक्षात्कार आदि की स्थितियों के साथ में आप सकारात्मक रहकर चलिएगा। यात्राएं बेहतरी दे रही है आज, संतुष्टि के वाहक क्रम को लेकर चल रही है। खरीदारी में थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, गए हैं परिवार के साथ में, बजट तय करके गए हैं, वहां जाते हैं और लगता है कि ये भी खरीदारी के उपयुक्त क्रम है, ये भी ले लेते हैं, बच्चे कब तो जिद करते हैं उस तरफ भी चल लेते हैं। ऐसी स्थितियों से आज खुद को थोड़ा सा संभालिएगा, अन्यथा खर्चों की अधिकता आ सकती है। जो महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं आज आपकी चमक दमक देखते ही बनती है। आपकी सहज स्वीकारोक्ति एक अलग क्रम के साथ में बनी हुई है, ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी का बेस है। तो वहीं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, वाहन संबंधी सुख की स्थितियां आज आपको काफी हद तक बेहतरी के साथ में संप्रेषित करने वाली हो सकती है। भीतर का तारतम्य उस अवस्था के साथ बहुत गहराई से और बड़ी ही सुंदरता के साथ में बना हुआ है, इसमें कोई और दुविधा नहीं। कन्या राशि, देखिए धनागमन के साथ में आज वृद्धि है।
विदेश संबंधी कार्यों में कोई रुकावट और भटकाव जैसे सिरे बिल्कुल भी नहीं है। मन की अवस्थाओं के साथ में जो पुलकित करने वाला बोध होना चाहिए, सकारात्मकता भरा स्पंदन होना चाहिए, भरपूर सभी भरपूर ऐसी अवस्थाओं को आज आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। ये वो समय है जो कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी के क्रम में आपको दे रहा है। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में खुद के लिए किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी समय महत्वपूर्ण। इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं आप या फिर जुड़ने का सोच रहे हैं, ऐसे दिवस को अपने लिए अत्यंत बेहतर मानकर आप आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में रहिएगा। मन वहीं से संतुष्टि की गहरों को और बढ़ाता चला जाएगा। ये विश्वस्त क्रम अपने भीतर तक बनाकर रखते हैं तो ज्यादा बेहतरी। तुला राशि, देखिए सबसे पहले तो आत्मविश्वास की कड़ियों के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप बेहतरी लेकर आ रहे हैं, जहां आज हैं वहीं हैं और इसी के साथ में संतुष्टि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ चल रहे हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह के विकास क्रम को आप अपने साथ में चाह रहे थे, उसका एक एक अंगीकार करने वाला सिरा आपके साथ साथ यहाँ स्पंदन में चलता चला जा रहा है। आपके लिए आज के दिवस विशेष में टास्क ओरिएंटेड रहने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। उसी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिदमिक बेसिस को आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं। जो स्वभावगत स्थितियों के साथ में शांति प्रतिक्रम बनाकर चलना होता है, वहाँ पर भी ये जीवन विशेष और ये यात्रा क्रम बेहतरी आपके लिए संचालित करते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयास करें तो वहीं मानसिक सुख में दृढ़ता भरी स्थितियाँ आपके साथ निरंतर तौर पर प्रवाहित होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में है। जो महानुभाव किसी बड़े कार्य योजन को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस साथ साथ चल रहे हैं। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप अपने भीतर तक ठहराव लेकर चलिएगा तो वहीं कोई एडिक्शन से आप परेशान रहे हैं, अब तो डॉक्टरी हिदायत भी मिल चुकी है कि पशुपेश बढ़ सकती है, तो यहाँ से अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ करने की जरूरत रहेगी। हम किस और मोल्ड हो रहे हैं और किस मोल्डिंग फ्रेम से बचना है, क्यूमुलेशन में ये एक मेजर बनाकर रखने की आप कोशिश जरूर करते चले जाएं। और वहीं आपके लिए आज का दिवस विशेष पारिवारिक स्थितियों में वृद्धि के समागम भरे संकेत लेकर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। उसमें कोई भी और दुविधा के सिरे मौजूद रहने वाले नहीं हैं। ये बात स्पष्ट तौर पर अपने भीतर तक उजागर करके रखने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। धनुराशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में चलने की योजनाओं को आप जरूर रखिएगा। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में है तो वहीं गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए रुकावट और अटकाव जैसे सिरों से पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो वहीं ये भी स्पष्टता रखें कि आज का दिवस विशेष आपके लिए कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ के सिरों को श्रेणीबद्ध क्रम में तीव्रता से लेकर आ रहा है और वही जीवन की अथाह संतुष्टि का क्रमबद्ध सिरा है। यात्राएं बेहतरी दे रही है और उसी के साथ में मन लोगों के साथ में मुलाकातों में एक अलग आलोक को अपने साथ में संप्रेषित करता चला जा रहा है। मकर राशि, मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए वहां से सुधार के संकेत। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को आत्मसात करके आप अपनी जीवन यात्रा को संप्रेषित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय विशेष को आप बेहतर मानकर चलते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे करेंगे कि आप यहाँ पर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से खुद को जितना संभाल कर चलते हैं, बचा कर चलते हैं, उतने ही बेटरमेंट के मेजर्स अपने साथ में आप क्यूमुलेट करते चले जाते हैं। इसमें कोई और दुविधा नहीं। निवेदन है कि जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं, अब लोगों के द्वारा मिल रहे भटकाव से पूर्णतया हटकर उन कार्यों में और अधिक गतिशीलता को लेकर आने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें कोई और चिंता नहीं। तो वहीं याद रखें कि आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव आज अपने लिए अत्यंत तीव्रगामिता को देख रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
आध्यात्मिक तौर पर आपके साथ में भरपूर प्रगति है, जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं आज उसमें प्रभावी परिणामों की स्थितियां हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में जो दुविधाएं चल रही थी अब उसमें काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव प्रपोर्शंस स्टेबलाइज होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ चलती चली जा रही है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध श्रेय आपके साथ साथ अद्भुत हस्ताक्षर को संप्रेषित करने की तैयारी कर रहे हैं। जो आप किसी भी कार्य के साथ में अपनी गणना को और तीव्रगामी करना चाहते हैं वहां पर भी यह अंतराल सम्यक संतुष्टि के क्रम देता चला जाता है, कोई दुविधा नहीं है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहटों के सरों से पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आज का दिवस विशेष आपके लिए जितना टास्क ओरिएंटेड रहता है उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा उकसावे में बिल्कुल नहीं आना है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजिशन में दोपहर का समय अंतराल विशेष तौर पर आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। 1 से 3 की अवस्थाओं को अपने साथ और ज़्यादा प्रबलतम वेग देकर आप चलिएगा। गुरुप्रधान मीन राशि, नए कार्यों की शुरुआत करने में थोड़ा सा संभलें आज। हिचकिचाहट जिन कार्यों में बनी हुई है वो ठीक नहीं है, उसको हटाएं। पूरी प्रिपरेशन के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई भी तरीके का वक्तव्य कहीं पर देना है, कमिटमेंट करना है, प्रिपरेशन कितनी है, फैक्ट कितना है, हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, एग्जेजरेट तो नहीं कर रहे पोजिशन पर, सब कुछ फैक्ट चेक करके चलिएगा। खुद को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। दोपहर के 7 का जो समय अंतराल है वो आपके लिए प्रभावी अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। ये वो समय है जहाँ अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप आगे बढ़िएगा। वहीं किसी रिलेशन में चले हैं और छोटी सी बात के साथ में गुरेज निकल कर आया है, दुविधा निकल कर आई है, वहाँ से थोड़ा सा खुद को रोकने वाले रहे। एक बार ये कहें कि छोटी छोटी गलत फहमियाँ जीवन की सदारी और रहेंगी, हम उससे हट कर कैसे देखते हैं, वो प्रक्रियाबद्ध अवस्था अपना खराब जरूर चलिएगा। तो ये था 4 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।